नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊप्स का, ओके। तो क्या होता है ना, बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड, मतलब कि बच्चों को लगता है कि इनहेरिटेंस एक काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। बट मेरी बात मानो, दो तीन वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉट इज इनहेरिटेंस। ये मुश्किल टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट मुश्किल ऐसा मुझे नहीं लगता, ओके। तो देखो, आज हम बात करने वाले इनहेरिटेंस के बारे में, क्या होता है इनहेरिटेंस, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओके। तो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। तो बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या है। देखो, मुझे ना रियल लाइफ एग्जांपल के साथ खेलना पसंद है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद जो है आपको इनहेरिटेंस क्लियर हो जाएगा क्या है। देखो, कई बार होता है ना कि पापा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा हो तो आपका बच्चा भी स्पोर्ट्स में अच्छा कर जाता है, राइट। और अगर आपकी माँ सिंगर हो तो बच्चा भी सिंगर बन जाता है, ये कई बार हमने देखा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज ले रहा है, ओके। कई बार होता है ना कि पापा से वो हार्डवर्क लेता है, मम्मी से थोड़ा सा क्या कहते हैं काम रहना लेता है। तो ये सब ना क्या है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना अपने पेरेंट्स से, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ओके। तो देखो, अब हम बात करें इनहेरिटेंस कोडिंग में, मतलब कि प्रोग्रामिंग में कैसे हो जाता है, कैसे हम इसको क्लासेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो ऊप्स में अप्लाई होता है, वो सब देखते हैं, ओके। तो देखो, अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूँ प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, तो क्या है। देखो, सपोज मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाता हूँ, एम्प्लॉय, ओके, एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, ओके। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, नेम नाम का एक वेरिएबल डालूँगा, उसके बाद सैलरी डालूँगा, ओके, और उसके एज डालूँगा, ओके। ये बन गया आपकी एम्प्लॉय क्लास, ओके। देखो, अगर मैं इसको मान लूँ बेस क्लास, मतलब कि ये ओरिजिनल क्लास है, इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, दूसरा क्लास तैयार करेंगे, मतलब कि इनहेरिट करेंगे, ओके। तो देखो, एम्प्लॉय है, तो अगर मुझे एक और क्लास बनाना है प्रोग्रामर, ओके, तो अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो क्या प्रोग्रामर आपका एम्प्लॉय नहीं होता, होता है ना। अगर आपका प्रोग्रामर आपका एम्प्लॉय है, तो क्या मुझे इन तीन जो वेरिएबल्स है, ये थ्री जो वेरिएबल्स है, इनको अगेन लिखना पड़ेगा, ज़रूर लिखना पड़ेगा, ओके। मतलब कि प्रोग्रामर के लिए भी उसका एक नाम होगा, उसकी सैलरी होगी, उसकी एज होगी, राइट। तो क्या मैं इसको हर बार लिखते चलूँगा, अगर मुझे ऐसे 10 और क्लासेस बनाने, तो क्या मैं हर बार इन तीन वेरिएबल्स का यूज़ करता चलूँगा, हर बार लिखता चलूँगा, नहीं ना। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो कंसेप्ट है ना ड्राई, एक ड्राई कंसेप्ट होता है आपके प्रोग्रामिंग में, उसका उल्लंघन हो जाता है, मतलब कि ये एक रूल होता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, उसको हम ब्रेक कर देते हैं। अब ड्राई क्या है, ड्राई ये है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ओके, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। इसका मतलब ये है कि कोड जो है आपको प्रोग्राम में बार बार लिखना नहीं है, ओके। और अगर लिखना भी पड़ता है तो थोड़ा, मतलब कि थोड़ा कम आपको लिखना पड़े। तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रोग्राम में एक जो कोड है, एक जो ब्लॉक है कोड का, वो अगेन बार बार लिखना ना पड़े, ओके। तो अगर मैं हर क्लास के लिए ये तीन वेरिएबल्स हर बार डिक्लेयर करता चलूँ, उनको यूज़ करता चलूँ, तो इसका जो है वो उल्लंघन हो जाएगा। उल्लंघन हो जाएगा मतलब कि ये हमारे लिए बनाए गए हैं, मतलब कि देखो, अगर आप ये इसी कोड को बार बार लिखते चलते हो तो, और अगर आपको आगे चल के कोई चेंज करना है इस एम्प्लॉय में, तो क्या होगा, आपको हर बार चेंज करते चलना पड़ेगा, हर बार आपको चेंज करते चलना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा डिबगिंग, और जो चेंजेस करना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर बार हर क्लास चेक करते चलना पड़ेगा, राइट। देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो। देखो, यहाँ पे एरर है, तो हर बार एरर होगा, तो हर बार चेक करते चलो, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व होती है इनहेरिटेंस की मदद से। हम क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय के ऊपर से ही प्रोग्रामर को जो है वो इनहेरिट करते, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनहेरिट, इनहेरिट करते, मतलब कि एम्प्लॉय के जो कोई भी डेटा मेंबर से, मेंबर फंक्शन से, वो हम यूज करते हैं प्रोग्रामर के लिए। अब वो कैसे होगा, वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, ओके।
तो सिर्फ आप एक कंसेप्ट समझ लो कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस क्या है कि हम क्या करते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं आपके एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर से। ओके, मतलब कि उसका यूज़ करके हम एक क्लास बनाते हैं। ओके, अब इसके अंदर मैं और कुछ जो है वो सेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ। सपोज कि मैं अगर प्रोग्रामर में कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड कर दूँ, ये तो मतलब वैसे वैसे ये अभी आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ओके, आ जाएंगी मतलब कि आ नहीं जाएंगी, हम उसका यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि क्या कह सकते हैं मैं डोमेन। अगर मैं डोमेन ऐड कर दूँ, डोमेन मतलब कि प्रोग्रामर में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, जैसे कि डेवऑप्स हो गया, क्लाउड इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, तो ये सब जो है वो डोमेन है। ओके, तो एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय क्लास है, उसको इसका यूज़ करके मैंने प्रोग्रामर नाम का एक क्लास को तैयार कर दिया, इनहेरिट कर लिया एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ इसमें। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, डोमेन नाम का एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी, वेरिएबल ऐड कर दिया। ओके, तो समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, जो हम इस एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर से बनाते हैं। ओके, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, इसका यूज़ करके हम इस नए क्लास को बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिट कैसे होता है वो हम आगे चल के देखने वाले। ओके, उसका सिंटैक्स है वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सिंपल चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी मदद से क्या होगा, देखो जब हम इस क्लास को इनहेरिट करेंगे आपके एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर से, तो इस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, वो हम यूज़ कर पाएंगे इस डिराइव्ड क्लास में। देखो आपका जो क्लास है ना, एग्जिस्टिंग क्लास, उसे हम कहते हैं बेस क्लास। ओके, देखो इट इज़ अ क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर इनहेरिटेड, मतलब कि ये जो आपका ओरिजिनल क्लास है जिसकी मदद से हम बाकी के क्लास बनाएंगे, उसे हम कहते हैं बेस क्लास। ओके, और उसके बाद जिस भी क्लास को हम बना रहे हैं यहाँ पे, ओके, मतलब कि प्रोग्रामर, यहाँ पे हम एम्प्लॉय की मदद से बना रहे, एम्प्लॉय के जो डेटा मेंबर्स है, जो मेंबर फंक्शंस है, वो हम यूज़ करने वाले प्रोग्रामर में। ओके, तो ये जो क्लास है इसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। देखो अ न्यू क्लास विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, समझ रहे हो, नया जो क्लास है वो हम बनाते हैं आपके एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर से, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। ओके, तो अब ये सब कैसे होगा वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहली पॉइंट तो हमने देख लिया, रीयूजेबिलिटी इज डन, मतलब कि ये जो कोड है ये आप बार बार यूज कर सकते हो। ओके, वो इनहेरिटेंस की मदद से हो जाएगा, वो आगे चल के मैं दिखा दूंगा आपको कि कोडिंग में कैसे होता है। ओके, अगले वीडियोज में हम बात कर रहे होंगे इसके बारे में। ओके, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, वी कैन रीयूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास बाय इनहेरिटिंग इट। सिंपली वही पॉइंट है कि इस क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शन से, जितने भी डेटा मेंबर्स से, वो हम यूज़ कर पाएंगे प्रोग्रामर क्लास में, सिंपल। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी। अब देखो ना यार, अगर मैं हर बार इस जो एम्प्लॉय क्लास है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये जो कोड है ये मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, वहाँ पर टाइम सेव हो गया, और ऑब्वियसली अगर मेरी डिबगिंग कम हो जाए, अगर मेरी चेंजेस इजी हो जाए, अगर मुझे जो कुछ चेंजेस करने वो इजी बन जाए, तो यहाँ पे मनी का भी वही बचत हो जाएगी, मतलब कि पैसे की भी बचत हो जाएगी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और आखिरी पॉइंट ये है कि डीबगिंग एंड मेकिंग चेंजेस इज इजी। देखो अगर एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, मतलब कि अगर मुझे एक उसकी सैलरी चेंज करनी है, ओके, तो मुझे क्या करना होगा, हर क्लास में जाके उसकी सैलरी में चेंजेस करने पड़ेंगे, जहाँ जहाँ पे भी ये सैलरी का यूज़ किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस से यूज़ कर लेता हूँ, तो क्या करना होगा, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय क्लास में चेंज कर देना होगा, तो वो अपने आप हर जगह पे चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और डिबगिंग इसलिए इजी होगी कि अगर आप 10 क्लासेस में अगर ये सब लिखते चलोगे, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे एरर आ जाए, हो सकता है ना कि आप एक ह्यूमन हो, मैं एक ह्यूमन हूँ, तो हमसे गलतियाँ हो सकती है। तो हर क्लास में अगर आप ये कोड लिख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे एरर आ जाए, वहाँ पे आप कुछ टाइपिंग में गड़बड़ कर दो। तो डिबगिंग इज़ मुश्किल, मतलब कि डिबगिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होता चले जाएगा जैसे आप बहुत सारे क्लासेस बनाते चलोगे। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ना सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस इज़ मेकिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास विथ
देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब कि उनका यूज़ करके हम एक नया क्लास बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो डिराइव क्लास है इसका मैं इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ इस ओरिजिनल क्लास की मदद से, मतलब कि एग्जिस्टिंग क्लास की मदद से, ओके, जिसे हम कहते हैं बेस क्लास, जिसको हम कहते हैं बेस क्लास, ओके। इसकी मदद से अगर हम कोई नया क्लास बना रहे तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ डाउट होंगे, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा, ओके। तो देखो इनहेरिटेंस के ना कुछ टाइप्स है, वो हम अगले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।